हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी का थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे। नाउ द नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनवायरमेंटल टॉक्सिकेंट। ओके, सो दिस एनवायरमेंटल टॉक्सिकेंट इट कैन बी ग्रुप इन द सेवरल वेज। ओके, इट कैन बी ग्रुप इन द सेवरल वे। द फर्स्ट वे इज ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्ट्रक्चर सच एज मेटल्स। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल के बेसिस पे एंड द मेटल सच एज ऑर्गेनोहलाइड्स, और ऑर्गेनो क्लोरिन्स एंड मेनी मोर्स। ओके, सच एज द कार्बामाइड मेटल्स, और भी जैसे मेटल्स है जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामाइड्स, इनके इस पे भी स्ट्रक्चर पे हम बेसिस पे उनको डिवाइड कर सकते हैं, और दे कैन बी सब डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन। ओके, दे कैन बी सब डिवाइड, दिस मेटल्स कैन बी सब डिवाइड डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ their actions, namely mutagen, food adhesive, and pesticides, and many more. And they can also be categorized on the basis of the component of the environment. Okay, इनको हम पहले तो chemical constituent और उनके structure पे भी हम उनको divide कर सकते हैं, और next क्या है, on the basis of the component component of the environment. ओके, जो कि कौन कौन से हैं जिसमें कि हमको अभी इसको क्लासिफाई करना है, दैट आर द टॉक्सिकेंट कंटेमिनेटिंग फूड, टॉक्सिकेंट्स कंटेमिनेटिंग फूड, देन द टॉक्सिकेंट प्रेजेंट इन atmosphere, then the toxicant present in the lithosphere, and fourth is the toxicant present in the hydrosphere. Okay, किस टाइप से क्लासिफिकेशन किया है? क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे वेज है, जो कि पहला वे है कि हम उसको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर ऑफ मेटल के बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। सो हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट इसके बेसिस पे। सो फर्स्ट वन इज द टॉक्सिकन कंटेमिनेटिंग फूड। तो जो टॉक्सिकेंट है जो कि कंटेमिनेटेड कर रहे हैं फूड को, ओके, जो टॉक्सिकेंट है जो कंटेमिनेटेड कर रहे हैं फूड मटेरियल्स को, आर ऑफ ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अवर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी फूड मटेरियल है अगर उसमें टॉक्सिकेंट प्रेजेंट है और हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या होगा कि बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ेगा।
तो इसके वजह से जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, ओके, जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कम टॉक्सिक हो, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो आर्टिफिशियल जो ऐड किए जाते हैं, जैसे कि फूड एडेसिव है, ठीक है, फूड कलर है, स्वीटनर्स है, ऐसे टाइप के जो ऊपर से ऐड किए जाते हैं टू एनहांस द टेस्ट ऑफ द फूड, ओके, तो ऐसे जो फूड मटेरियल है वो हमें कम से कम कंज्यूम करना है, और जो कि नेचुरल फूड है, ठीक है, ऐसे हमें ज़्यादा कंज्यूम करना है. सो द फूड विच इज कंज्यूम डेली समटाइम ऑल्सो कंटेन द डिफरेंट सब्सटेंस, ओके, जो भी हम फूड रोजमर्रा की जिंदगी में खा रहे हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल सब्सटेंस कुछ होते हैं कि जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, और कुछ होते हैं कि जिन्हें हम ऐड करते हैं, ओके. द फूड विच वी कंज्यूम कंटेन्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ contains different types of substance एक तो पहला कि वो कुछ सब्सटेंस जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, और कुछ सब्सटेंस होते हैं दे आर added intentionally, ठीक है, added intentionally, जैसे कि उसका फ्लेवर, कोई भी चीज़ का फ्लेवर बनाने के लिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो फूड रहना चाहिए, इसके लिए कुछ सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं. सो ये जो सब्सटेंस है जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, ओके, सो दे आर नॉन टॉक्सिक, ओके, क्योंकि वो नेचुरली प्रेजेंट है तो इसलिए वो नॉन टॉक्सिक रहेंगे एंड बेनिफिशियल टू द हेल्थ ऑल्सो, ठीक है. बट जो हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो इंटेंशनल जो ऊपर से ऐड कर रहे हैं, इट मे बी हार्मफुल. ओके, जो इंटेंशनली ऐड कर रहे हैं वो कैसे हार्मफुल है. सो एक टाइम में था कि केसर दाल, ओके, केसरी दाल, इट इज यूज एज अ पर्ल्स विच इज नाउ बैन इन इंडिया, ओके, ये दाल को, ये जो पर्ल्स थी इसको बैन कर दिया गया. तो ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इट इज रिपोर्टेड दैट अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ये दाल को अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक, जैसे कि हम तुअर की दाल है, हम डेली बेसिस पे हमारे घर में जैसे कि हफ्ते में एक दो बार तो बनी जाती है, ठीक है, तो ऐसी ये दाल अगर हम डेली बेसिस पे अगर यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होता था, इट प्रोड्यूसेस द लैथरिज्म, इट प्रोड्यूसेस द लैथरिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द केमिकल, ठीक है, ये दाल में कुछ केमिकल प्रेजेंट थे जिसके वजह से लैथरिज्म होता था, उसके वजह से ये दाल को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया. तो इसी वजह से कि जो भी फूड होते हैं अगर उनमें एडिसिव ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर चीज़ ऐड कर रहे हैं तो उसकी पहले टेस्ट की जाती है, टेस्ट करने के बाद ही उसको सर्टिफिकेट मिलता है, फिर ही वो हम खा सकते हैं. लेकिन अगर उसके टेस्ट में अगर कुछ पाया गया कि ये हार्मफुल है किसी टाइप से, तो ऐसी चीज़ों को पहले ही गवर्नमेंट बैन कर देती है और ऐसी चीज़ें यूजेबल नहीं होती. सो इसमें, सो दिस टॉक्सिक एंड कंटेमिनेटिंग फूड आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज द फूड एडिटिव एंड सेकंड इज द फूड कंटेमिनेंट्स. अब फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, सो दिस आर डायरेक्टली इंजेस्टेड बाय द ह्यूमन बींग along with a food atom or a food products. ये ऐसे चीज़ें हैं, ओके, फूड एडेसिव आर द ग्रुप ऑफ द सब्सटेंस जो कि डायरेक्टली इंजेस्ट किए जाते हैं बाय द ह्यूमन बींग अलॉन्ग विद द फूड एटम एंड फूड प्रोडक्ट्स. सो दिस आर एडेड बाय द
बाय ह्यूमन बींग्स। अलोंग विथ फूड आइटम्स और फूड प्रोडक्ट्स जो फूड एडिटिव्स होते हैं दे आर यूजुअली ऑफ लो बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड एडेड टू द फूड आइटम फॉर टू प्रिवेंटिंग देयर स्पॉयलेज और टू अलर्ट द कलर एंड द फ्लेवर ऑफ द फूड स्टफ। ओके, तो इनको जनरली क्यों ऐड किया जाता है? प्रिवेंट देयर स्पॉयलेज, ओके, फूड का स्पॉयलेज नहीं होना चाहिए इसीलिए ऐड किया जाता है, या फिर उसका कलर के लिए ऐड किया जाता है, या फिर फ्लेवर के लिए ऐड किया जाता है। ठीक है, सो कुछ टॉक्सिकोलॉजिस्ट ने क्वेश्चन उठाया कि अगर लॉन्गर टाइम के लिए ऐसे सब्सटेंस, अगर फूड एडेसिव सब्सटेंस अगर यूज कर रहे हैं तो वो हेल्थ पे इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया गया कि जो भी कंपनीज जो फूड एडिटिव्स बना रही है उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि क्यों ना हम नेचुरली कुछ प्रोडक्ट ऐसे यूज करें, ठीक है, जैसे कि ट्रीज से या फिर नेचुरल कलरिंग एजेंट, ताकि वो ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट ना करे। तो सम ऑफ कॉमन फूड एडिटिव आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। ओके, तो जैसे कि कलरिंग एजेंट है, जिसमें कि एग्जाम्पल है टेट्राजिन, ओके, स्टेबिलाइजर, एग्जाम्पल है वेजिटेबल गम, प्रिजर्वेटिव है, एग्जाम्पल है सोडियम नाइट्रेट, ब्लीचिंग एजेंट है दैट इज द बेंजोइल, परऑक्साइड का यूज किया जाता है, और स्वीटनर है जो कि सैचुरिन, ओके, स्वीटनर के लिए सैचुरिन का यूज किया जाता है। सो ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है सैचुरिन, इट वॉज फर्स्ट यूज इन द 19th सेंचुरी एंड हैज बीन एक्सक्लूसिवली यूज ओवर द ईयर एंड एट अ वन टाइम इट वॉज बैंड फ्रॉम द USA। ठीक है, कुछ टाइम के लिए ये 19th सेंचुरी में ये स्वीटनर का यूज तो किया गया, बट कुछ इफेक्ट देखा गया होगा कि कुछ हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है, इसके वजह से इसको फिर बैन कर दिया गया USA में। तो क्यों बैन कर दिया गया? बिकॉज द सैचरिन हैज द लो एक्यूट टॉक्सिसिटी विथ LD15 बिटवीन 5 to 1.77 grams। ओके, ये जो सैचरिन है इट हैज अ लो एक्यूट टॉक्सिसिटी, तो इसके वजह से इसे बैन कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट इज द फूड कंटेमिनेंट्स। तो जो फूड एडिटिव्स है उसके अलावा भी, ओके, द फूड स्टफ में ऑल्सो कंटेन अ सर्टन कंटेमिनेंट्स टर्म एज द फूड कंटेमिनेंट्स। ओके, द सब्सटेंस इनएडवर्टेंटली एडेड टू द फूड, द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल ऑकरिंग बट द टॉक्सिक फूड कंटेमिनेंट सच एज, इसमें एग्जाम्पल कौन से हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल इज द बोटुलिज्म एंड द सेकेंड इज द एल्फोटॉक्सिन। ये दो फूड कंटेमिनेंट्स है, जो कि बोटुलिज्म इज अ सिंड्रोम कॉज्ड बाय द, इट इज द सिंड्रोम
एंड इट इज कॉज्ड बाय द बोटुलिनम टॉक्सिन विच इज अ बैक्टेरियम. ओके, विच इज द बैक्टेरियम ऑफ क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम. ओके, सो दिस बैक्टेरियम ऑल्सो कंटेन अ टिन एंड द बॉटेड फूड एंड द टॉक्सिक इज एक्सट्रीमली पोटेंट. ओके, और जो अल्फा टॉक्सिन है इट इज द ग्रुप ऑफ द माइकोटॉक्सिन. ओके, तो ये ग्रोथ होते हैं बहुत ज्यादा हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में विच रिजल्टिंग इन द कंटेमिनेशन ऑफ द फूड. अदर मेजर कंटेमिनेंट्स आर द वायरसेस सच एज द स्मॉल राउंड वायरस, दैट इज द SRV, स्मॉल राउंड वायरस, विच कॉजेज द गैस्ट्रोएंटेरिस. Now the next is the toxicant present in the atmosphere. Okay, a large number of chemical substance reaches the atmosphere. Okay, जिसका result क्या होता है कि natural processes and the human activities की वजह से. So the most of these substance may cause the serious health problem. Okay, so according to the safety and health, safety and health administration and the consumer product safety commission it is listed that the 24 substance, okay, which are hazardous to the atmosphere, 24 substance which are the hazardous to the atmosphere. तो जिसमें से कि example है vinyl chloride, okay. विनाइल क्लोराइड, लीड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, बेंजीन, कैडमियम, केक ओवन, इमिशन, सल्फर डाइऑक्साइड, देन द ओजोन, देन द टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल. ऐसे और भी एग्जाम्पल है जो कि इफेक्ट करते हैं एटमोस्फियर पे और जो कि हजार्डस है. सो हम कुछ ऐसे गैसेस देखेंगे कि जो कि ज्यादा से ज्यादा हजार्डस है टू द एटमोस्फियर. सो फर्स्ट वन इज द कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड. सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट्स इंजरियस टू द हेल्थ इज द कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, इंजरियस टू द हेल्थ एंड इट इज रिलीज्ड बाय द ऑटोमोबाइल्स
एंड द बर्निंग ऑफ कोल. और भी बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, जैसे कि फर्नेस के वजह से, और ओपन फायर जो लगाते हैं उसके वजह से भी, और फायर सॉरी फॉरेस्ट और बुशेस में जो फायर लगती है उसके वजह से भी, फैक्ट्री पावर प्लांट्स इसके वजह से भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है. ओके सो इसके कॉजेस क्या क्या है. ये जो गैस है इट इज द कलरलेस एज वेल एज द ओडरलेस. ओके इसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसके वजह से हम कंटिन्यूसली ये गैस को इनहेल करते रहते हैं. तो इसके कॉजेस क्या क्या है. इसके कॉजेस है कि बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, दैट इज द हेड एक, एंड द डेजीनेस, नाउ द नेक्स्ट इज द नाइट्रोजन गैसेस. तो कुछ ऐसे नाइट्रोजन गैसेस हैं जो कि रिलीज्ड होते हैं इन द एटमॉस्फेयर एंड विच आर द हजार्डस टू द ह्यूमन बीइंग, जो कि गैसेस हैं अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे कुछ नाइट्रोजन गैसेस हैं जो कि हार्मफुल है टू द ह्यूमन बीइंग एंड ऑल्सो टू द एटमोस्फियर. सो दिस अमोनिया गैस इज अ कलरलेस गैस एंड इट इज द मेजर सोर्स ऑफ नेचुरल इमिशन ऑफ द अमोनिया विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल डीके. ओके सो इट इज अमोनिया गैस, इट इज द कलरलेस गैस. And the NO gas, nitrogen oxide gas, it is also a colorless, odorless and the tasteless gas, but NO2 is a reddish brown. ओके उसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन. जो कि गैस इनहेल करने पे क्या होता है कि इरिटेशन होता है टू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. सो नाउ व्हाट आर द इफेक्ट इसके, यानी कॉजेस. इसके कॉजेस क्या क्या है कि द नाइट्रोजन गैस सच एज द NH3 and NO are capable of injuring plant. So such type of gases are when released to the atmosphere, it may be hazardous to the human being. अब नेक्स्ट है टॉक्सिकन प्रेजेंट इन द लिथोस्फीयर. ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.